जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, हम आप लोग के लिए प्रारंभ बैच लेकर के आए हैं जो हर एक मंगलवार गुरुवार शनिवार रात 8 बजे होता है। क्लियर है? तो आपको पता होगा यूनिट 2 हम लोग का चल रहा था विद्युत धारा, ठीक है, या धारा विद्युत की उसको बोलते थे, वो कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। आज उसका पहला दिन है, डे 1 है। क्लियर है? याद रखिएगा, ये पहला क्लास है यूनिट 3 का, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व का। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं बाबू। अगर जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको क्या करना है, SRD क्लासेस का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उसमें टेलीग्राम का लिंक होगा, उस लिंक को क्या कर लेना है, उस लिंक से ज्वाइन हो जाना है टेलीग्राम में। तो आपको सब जो भी पढ़ाएंगे इसका नोट्स भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक बाबू। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है ऑरस्टेट का प्रयोग। किसका? ऑरस्टेट का। ऑरस्टेट का नाम जरूर सुने होंगे, ये वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑरस्टेट का प्रयोग का। तो ऑरस्टेट का प्रयोग हम लोग समझने से पहले सबसे पहले समझेंगे चुंबकीय सुई, जिसको कहते हैं कंपास निडिल। क्लियर है? ये दिख रहा होगा आपको, ये जो है ये आपका कंपास निडिल है, ठीक है। ये आपके मोबाइल में भी आजकल आता है, आपके पास अगर मोबाइल होगा कोई चाइनीज वगैरह तो देखिएगा उसमें ये सिस्टम होगा, कंपास के नाम से होगा। क्लियर है? तो इसका काम क्या होता था सबसे पहले समझिए ध्यान से। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, ये तो पता ही होगा। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किधर से किधर होता है? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। क्लियर है? तो बाबू जब भी हम कोई कंपास निडिल को रखेंगे, ये चुंबकीय सुई को रखेंगे, एक बॉक्स जैसा रहता है, एक छोटा सा डब्बा जैसा रहता है, उसमें एक चुंबकीय सुई लगा रहता है। तो याद रखिएगा ये हिलते हिलते हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा, यानी उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाएगा। तो इमेजिन करो, अगर हमको उत्तर और दक्षिण दिशा पता चल जाएगा तो हमको पूरा पश्चिम भी पता चल जाएगा। क्लियर है? तो इसका यूज पहले जो करता था वो नाविक लोग करता था। जैसे मान लो समुद्री यात्रा जो करता था, जैसे इमेजिन करो समुद्र से, जैसे मान लो भारत से निकला और अमेरिका जाना है, तो वहाँ कोई रोड तो नहीं बना है। अब इमेजिन करो वो लोग क्या करता था, मैप रखता था कि भाई ये भारत है, यहाँ से हमको अमेरिका जाना है, इस रूट से जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। तो भाई रात में, दिन में चलो पता चल जाएगा, सूरज इधर से निकला मान लो पूरब है, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिन में पता चल जाएगा, लेकिन रात में पता चलेगा नहीं। तो गलती से इमेजिन करो पूरब जाना था और गलती से दिशा नाव का बदल गया तो सोचिए दूसरा देश चला जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है इसको चेक करने के लिए वो लोग कंपास निडिल रखता था। क्लियर है? और याद रखिएगा ये हमेशा किधर रुकता है, उत्तर दक्षिण दिशा में। लेकिन हाँ, ये कभी गलत भी हो सकता है। कब गलत होता सुनिए ध्यान से। अगर हम इसके बगल में कोई मैग्नेट रख दें, चुंबक रख दें, तो जैसे मान लो अगर ये कोई चुंबक रख दिए, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल चुंबक का, तब क्या होगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में ये क्या होगा, अपना दिशा को बदल लेगा, तब ये गलत होगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा इसका उपयोग हम लोग करते थे दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो बाबू हम क्या बोल रहे थे, इसका दिशा तभी बदलेगा जब क्या हो, चुंबकीय प्रभाव यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र आ जाए। क्लियर है? तभी ये दिशा से भटकेगा। ये समझ में आ गया? अब चलो सुनते हैं इसका प्रयोग का। तो बाबू हम लोग बात कर रहे हैं ऑरस्टेट का प्रयोग। तो ऑरस्टेट ने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में उन्होंने क्या देखा कि एक बैटरी ले लिया, एक कुंजी जोड़ दिया और एक चालक जोड़ दिया। क्लियर है? चालक से बैटरी जोड़ दिया। तो उन्होंने क्या पाया, जब स्विच को ऑन किया, उन्होंने स्विच को ऑन किया, ठीक है, तो जैसे ही चालक में धारा का प्रवाह होगा, इमेजिन करो करंट इधर से इधर चलना शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या पाया, जब किसी चालक में धारा का प्रवाह शुरू हुआ, ठीक है, तो उसके नीचे जो चुंबकीय सुई रखा था ये विक्षेपित हो जाता था, यानी अपनी दिशा से भटक जाता था। क्लियर है? लेकिन अगर स्विच ऑफ रखते थे, यानी धारा का प्रवाह नहीं होता, तो ये विक्षेपित नहीं होता था। क्लियर है? तो डेफिनेट है भाई, अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित हुआ तो उसके नीचे रखा चुंबक की सुई विक्षेपित हो गया। इसका मतलब ये है, सिंपल सा हम बोल सकते हैं क्या, कि धारा के प्रवाह से जरूर चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। तब ना इस चालक में जब धारा का प्रवाह होगा तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हुआ होगा, चुंबक के क्षेत्र, तब ना ये विक्षेपित हुआ। तो याद रखिएगा, इनके प्रयोग में सबसे पहला चीज पता चला कि जब किसी चालक में धारा का प्रवाह होगा तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबक के क्षेत्र। क्लियर है? फिर इन्होंने क्या देखा, धारा का दिशा जब बदला, धारा का दिशा बदला, इमेजिन करो बैटरी उल्टा जोड़ दिया उधर से, तो बी से ए की ओर इमेजिन करो अगर चलने लगा करंट, तो क्या देखा, पहले जब ए से बी करंट चल रहा था, मान लो चुंबकीय सुई इधर हिल रहा था, तो जब बी से ए चला तो उसके जस्ट विपरीत दिशा में हिलने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि धारा का दिशा बदले तो विक्षेपण का दिशा भी बदल गया। इसका मतलब ये हुआ कि धारा का दिशा बदले होंगे जरूर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा भी बदला होगा। क्लियर है? तो ये दूसरा चीज ये पता चला।
और तीसरा नंबर इन्होंने क्या देखा कि जब धारा का मान बढ़ाया गया, धारा का मान क्या किया गया, बढ़ा गया, चालक में प्रवाहित होने वाले जो धारा है इसका मान जब बढ़ाया गया तो देखा जो विक्षेपण का तीव्रता था वो भी बढ़ता था, यानी तेजी से विक्षेपित होता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि धारा का मान जब बढ़ाते होंगे तो डेफिनेट है चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता होगा, बढ़ता होगा। धारा का मान बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता होगा, तब ना तेजी से विक्षेपित हुआ। क्लियर है? तो याद रखिए इसके प्रयोग में यही तीन चीज पता चला था। पहला, जब किसी चालक में धारा का प्रवाह होगा तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दूसरा ये पता चला था कि अगर हम धारा का दिशा बदलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा भी बदलेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का दिशा विद्युत धारा के दिशा पर निर्भर करता है। और तीसरा ये पता चला था कि अगर हम धारा का मान बढ़ाते हैं तो विक्षेपण का तीव्रता भी बढ़ता है। इसका मतलब सिंपल सा ये पता चला कि धारा का मान बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता होगा। क्लियर है? तो ये पता चल गया। अब चलिए इसको देखते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। प्रेक्षण क्या है? प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या पाया। क्लियर है? तो पहला क्या देखा, ध्यान से देखिए, जब चालक में धारा का प्रवाह नहीं होती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती है। देखिए उन्होंने क्या पाया कि जब चालक में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था तो चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं हो रहा था। फिर दूसरा देखा, जब चालक में धारा का प्रवाह होती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्लियर है? यानी जब चालक में धारा का प्रवाह होगा तो क्या होगा, चुंबकीय सुई विक्षेपित होगा। क्लियर है? ये पाया। तीसरा, जब चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा परिवर्तित होती है तो चुंबकीय सुई की विक्षेपण की दिशा भी परिवर्तित होती है। क्लियर है? यानी धारा का दिशा अगर बदलेंगे चुंबकीय सुई का विक्षेपण का दिशा भी बदल जाएगा। तीसरा, चौथा क्या पाया, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय सुई की विक्षेपण की तीव्रता भी बढ़ती है। यानी जब धारा का मान बढ़ाएंगे चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का, तो विक्षेपण का तीव्रता भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये जो था, ये चार जो था, ये प्रेक्षण था। क्लियर है? यानी प्रेक्षण यानी क्या क्या देखा, ऑब्जर्वेशन था, क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया। और ऑब्जर्व करने बाद ये निष्कर्ष निकाला, पहला कि कोई धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यानी कोई भी धारावाही चालक होगा तो वो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा ये बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा पर निर्भर करती है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा वो धारा जो किधर प्रवाहित हो रहा है उस धारा के दिशा पर निर्भर करेगा। क्लियर है? और तीसरा चीज पता चला, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाने पर धारा का मान भी बढ़ती है। क्लियर है? तो ये तीन निष्कर्ष निकाला। क्लियर है? तो ये था ऑरस्टेड का प्रयोग। अब चलिए बात करते हैं कौन क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। सिंपल सा चुंबकीय क्षेत्र का डेफिनेशन, तो हम क्या देखें, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होगा हुआ तो उसके नीचे चुंबकीय सुई विक्षेपित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र था। इमेजिन करो, कोई भी चालक में जब धारा का प्रवाह होता है तो डेफिनेट उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन कितना दूर तक होता है, क्या हमको दिखेगा? दिखता तो नहीं है, देख के थोड़ा पता कर पाएंगे। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए, समझिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए इस चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, इस चालक में धारा का क्या हो रहा, प्रवाह हो रहा, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो ये तो दिख नहीं रहा है। तो भाई इमेजिन करो, चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है और इसका चुंबकीय क्षेत्र पता करना है कि भाई कहाँ है, तो दिखेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक चुंबकीय सुई लाएंगे। चुंबकीय सुई लाए, इमेजिन करो यहाँ लाए, नहीं हिला, ये नहीं हिला, इसका मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। करीब ले गए, यहाँ ले गए, नहीं हिला, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। लेकिन यहाँ लाइए, हिलने लगा, विक्षेपित हो गया, इसका मतलब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र है। तो पता कैसे किए, चुंबकीय सुई विक्षेपित हुआ तो पता चल गया ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो क्या डेफिनेशन इसका हम ऐसा बना सकते हैं, किसी धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत, यानी जिसके अंतर्गत कोई चुंबकीय सुई क्या हो, विक्षेपित हो, हिले, उसे हम क्या कहेंगे बाबू, चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है? देखो डेफिनेशन, किसी धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। और याद करो, हम बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि विद्युत धारा का दिशा पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निर्भर करेगा, तो डेफिनेट है चलो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालने जानेंगे। ठीक है? तो हेडिंग है हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो पहला नंबर देख रहे हैं सीधी धारावाही चालक के लिए। किसके लिए? सीधी धारावाही चालक के लिए। ठीक है? तो जरा ध्यान से देखिए सीधी धारावाही चालक के लिए। अब सिंपल सा मान लो ये कोई सीधी धारावाही चालक है, ठीक है, मान लो ये मार्कर जो है ये धारावाही चालक है। अब भाई इसमें करंट मान लो नीचे से ऊपर चल रहा है, नीचे से ऊपर, इधर से इधर, और हमको पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर होगा।
तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम। किसका? दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम। याद रखिएगा, ये जो अंगूठा है ये अंगूठा धारा का दिशा बताएगा, और हथेली जो मुड़ेगा याद रखिएगा ये चुंबक के क्षेत्र बताएगा। देखना, उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, मान लो करंट ऊपर चल रहा है, करंट किधर चल रहा है? ऊपर। तो बाबू अंगूठा हम किए ऊपर, हाथ मोड़े तो कैसे मुड़ा? ऐसे मुड़ा, तो ये होगी आपका चुंबक के क्षेत्र का दिशा। क्लियर है? अगर करंट नीचे चलता तो अंगूठा नीचे करते, करंट नीचे चलता तो अंगूठा नीचे करते, हथेली मोड़ते तो ये ऐसे मुड़ रहा, चुंबक के क्षेत्र का दिशा इधर से इधर। क्लियर है? मान लो अगर धारावाही चालक ऐसे है, करंट इधर चल रहा है, तो बोलिए ऐसे हो गया अंगूठा, हथेली मुड़ा तो ये हो गया चुंबक के क्षेत्र का दिशा। बोलो क्लियर है? तो याद रखिएगा, हम लोग दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम से चुंबक के क्षेत्र का दिशा निकालते हैं। क्लियर है? एक और नियम है, उसका नाम है मैक्सवेल का पेच का नियम। ठीक है, मैक्सवेल का स्क्रूव का नियम भी कहते हैं। एक साइंटिस्ट था उसका मैक्सवेल नाम था, उन्होंने बताया था। तो उनका कहना था स्क्रूव तो कभी टाइट किए ही होंगे, तो जिधर करंट चल रहा उधर स्क्रूव जाना चाहिए, तो उसके लिए जिधर घुमाना पड़ेगा हमको स्क्रूव को, वही बताएगा चुंबक के क्षेत्र का दिशा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो इस चालक में ऊपर करंट चल रहा है, किधर? ऊपर। स्क्रू ऊपर जाना चाहिए, तो ऊपर जाने के लिए हमको ऐसे घुमाना पड़ेगा इधर, तो ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। करंट अगर नीचे चल रहा है तो डेफिनेट स्क्रू नीचे आना चाहिए, तो नीचे आने के लिए इधर घुमाएंगे तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। सिंपल सा, दोनों में सेम निकलता है, कोई दिक्कत? तो याद रखिए, स्क्रू का नियम लगाइए या दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम लगाइए, बात बराबर, लेकिन हम बोलेंगे आप दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम लगाइए, कितना स्क्रू ऐसे ऐसे कीजिएगा। ठीक है, सीधा सीधे हाथ है आपके साथ है, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। करंट ऊपर तो अंगूठा ऊपर, हथेली मुड़िए, जिधर मुड़ गया वही हो गया चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। क्लियर है? तो आप समझ चुके होंगे, तो चलिए ध्यान से देखिए। बोल रहा है इसकी दिशा दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम से या मैक्सवेल के पेच के नियम से दी जाती है। क्लियर है? तो चलिए दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हंसिएगा नहीं, डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो सकता है लेकिन समझने से मतलब है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम। क्लियर है? ये जो अंगूठा है याद रखिए, ये धारा का दिशा बताएगा, करंट का। क्लियर है? और हथेली जो इधर से इधर मुड़ा ये किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। क्लियर है? उसी तरह इमेजिन करो, ये चालक है, इसमें धारा का प्रवाह ऊपर हो रहा है, किधर हो रहा है? ऊपर। तो बोलो ऊपर जाना चाहिए, तो स्क्रू कैसे घुमाना होगा? ठीक है, तो स्क्रू कैसे घुमा? इधर से इधर, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। क्लियर है? तो बाबू चाहे आप दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम से निकालो या स्क्रू के नियम से निकालो, पेच के नियम से, बात बराबर है। क्लियर है? अब लास्ट आज का टॉपिक, मतलब आज का लास्ट टॉपिक दूसरा नंबर देख रहे हैं, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के लिए। इमेजिन करो कोई धारावाही कुंडली है वृत्ताकार, और इमेजिन करो इसमें करंट मान लो इधर से इधर चल रहा है या इधर से इधर चल रहा है। क्लियर है? या तो क्लॉक वाइज चलेगा या तो एंटी क्लॉक वाइज चलेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा यहाँ एकदम बहुत आसान है, दिमाग में सेट कर लो, जिधर करंट चलेगा उधर आपका हथेली मुड़ना चाहिए। क्लियर है? जिधर करंट चलेगा उधर हथेली मुड़ना चाहिए, और ये अंगूठा दिशा बताएगा। तो बोलो करंट इधर है तो हथेली इधर मुड़ा, अंगूठा दिशा किधर होगी? अंदर की ओर, तो दिशा निकला अंदर की ओर। करंट अगर इधर चल रहा है तो ऐसे हाथ मुड़ना चाहिए, मुड़ रहा है? नहीं मुड़ रहा, तोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना है, तो ऐसे कीजिए। बोलो ऐसे हो गया तो दिशा किधर हो गया? बाहर की ओर। आसान है? बोलो कुछ भी दम है? नहीं। तो याद रखिए, अगर क्लॉक वाइज चले तो क्लॉक वाइज में दिशा किधर निकला? अंदर की ओर। अगर एंटी क्लॉक वाइज चले तो बाहर की ओर। और आप लोग पढ़े ही होंगे, याद करो, सिंपल सा 11 में पढ़ लिए थे, अंदर को क्या दर्शाते हैं? क्रॉस से, और बाहर को किससे दर्शाते हैं? डॉट से। क्लियर है? तो याद रखिएगा, अगर क्लॉक वाइज चले तो अंदर की ओर, एंटी क्लॉक वाइज चले तो बाहर की ओर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, अगर क्लॉक वाइज चले करंट तो उसका दिशा आएगा क्रॉस। क्रॉस मतलब तल के लंबवत किधर बाबू? अंदर की ओर। ठीक है, ये हो गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका दिशा जो होगा वो डॉट होगा। क्या होगा? डॉट। डॉट मतलब तल के लंबवत बाहर की ओर। क्लियर है? तल के लंबवत बाहर की ओर। तो बाबू ये दिशा था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया।
तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं इसके बाद का टॉपिक लेके। थैंक यू, ठीक है।